हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा के एंड सी। आज मैं आपको 0 to 6 month बेबी के लिए सॉक्स बनाकर लाई हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने कैप बनाया था, उसी के सेट में ये सॉक्स है। चलिए तो इसे बनाना शुरू करते हैं। सेम नीडल सेम वूल है, यानी कि लास्ट टाइम मैंने यूज़ किया था नीडल नंबर 9 और 4 प्लाई वूल बेबी वूल। अब हम फर्स्ट स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे। 30 स्टिच कास्ट ऑन करना है सॉक्स के लिए, जैसे मैंने आगे कास्ट ऑन किया था कैप बनाते समय, वही मेथड से मैं स्टिचेस कास्ट ऑन करूँगी 30 स्टिच। अब मैंने 30 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिया। फर्स्ट रो हम सीधा बनाएंगे इस तरह से। फर्स्ट रो कंप्लीट हुआ, अब पलट लीजिए। सेकंड रो भी हम सेम तरीके से बुनेंगे, यानी कि सीधा बुनेंगे। हर बार हम दोनों साइड से सीधा बुनेंगे। अब मैं ऐसे ही दोनों साइड से सीधा बुन के 22 रो बनाऊंगी। डिजाइन कुछ इस तरह से आएगा, देख रहे हैं। आगे मैंने एक सॉक्स बना लिया था, 2 इंच है। आप नाप के 2 इंच बना लीजिए या फिर 22 रोज बना लीजिए, उतना बना के फिर मैं आगे आपको बताऊंगी। अब मैंने 22 रो बना लिया, मैं आपको काउंट करके दिखाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दोनों साइड से 11 11 रो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ पर मैं डोरी के लिए बुनूंगी। डोरी लगाना है, डोरी या लेस जो भी है। फर्स्ट स्टिच स्लिप करेंगे, स्लिप करिए या बुनिए एक ही बात है। सेकंड स्टिच नॉर्मल सीधा बुनेंगे, यार्न आगे 2 स्टिच एक साथ बनाएंगे। इसे छोटा छोटा होल आएगा इस तरह से। अब सामने वाला स्टिच नॉर्मली सीधा बनाएंगे, फिर यार्न आगे 2 स्टिच एक साथ बुनेंगे इस तरह से। अगेन सामने वाला स्टिच नॉर्मली सीधा बुनेंगे, यार्न आगे 2 स्टिच एक साथ बुनेंगे। सामने वाला स्टिच नॉर्मली सीधा बुनेंगे। ऐसे ही हम ये रो कंप्लीट करेंगे। लास्ट 2 स्टिच है, यार्न आगे 2 स्टिच एक साथ बनेंगे। पलट लीजिए, उल्टी साइड से भी हम सीधा बन रहे हैं। फर्स्ट स्टिच स्लिप करेंगे एंड देन यार्न पीछे सीधा बनेंगे। कंप्लीट हुआ, अब पलट लीजिए। इस बार हम इन स्टेजेस को डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 10 के मल्टीप्लाई में स्टेजेस डिवाइड करेंगे। 10 इस साइड रखेंगे और 10 इस साइड सेंटर में 10 रखेंगे। सेंटर का 10 स्टिच से हम ये वाली पार्ट बनाएंगे।
फर्स्ट हम 20 स्टिच बनाएंगे, फर्स्ट स्टिच स्लिप करेंगे एंड देन यार्न पीछे, अब 19 स्टिच सीधा बनाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। अब यहाँ पर एक स्टिच मार्कर लगाऊंगी, 10 स्टिच है, 10। अब यहीं से टर्न करेंगे, अब 10 स्टिच बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पर और एक स्टिच मार्कर लगाना है, 10, यहाँ पर भी 10 है। फिर से यहीं से रिटर्न आएंगे। अब हम हर बार सेंटर का 10 स्टिच ही बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहीं से रिटर्न आना है मार्कर पॉइंट से। अब मैं ऐसे ही सेंटर के 10 स्टिच बुन के 24 रो बनाऊंगी, दोनों साइड से 12 12 रो बनानी है। अब मैं इतना बना के फिर आगे आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, अब मैंने इतना बना लिया, टोटल 24 रो है। अब और एक बार इन स्टिचेस को बुनेंगे, फर्स्ट स्टिच स्लिप करेंगे एंड देन सीधा बुनेंगे। हम हर बार ही सीधा बुन रहे हैं, 10 स्टिच सीधा बुनेंगे, 8, 9, 10। अब हम यहाँ से स्टिचेस उठाएंगे, 8 स्टिच से ये जो दिख रहा है, यहाँ से दोनों से ऊपर से नीडल लगाना है, दोनों लेंगे और फिर नीचे से ऐसे करके स्टिच उठाएंगे, एक स्टिच में से एक स्टिच ऐसे करके उठाना है। मैं हार्डली 11 स्टिच उठाऊंगी। अब मार्कर निकल देंगे और फिर इन स्टेजेस को सीधा बुनेंगे, सीधा ही बुन रहे हैं हम हर बार, 10 स्टिच है, 11 स्टिच हमने उठाया। अब पलट लीजिए, इस बार भी सीधा ही बुनना है, टोटल स्टिच हम सीधा बुनेंगे, जो स्टिच हमने उठाया था उसे भी, और सेंटर का जो 10 स्टिच था वो भी, टोटल स्टिच बुनेंगे।
अब लास्ट स्टेज है, ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। अब हम यहाँ से फिर से एक एक स्टेज पिक करेंगे, यार्न आगे और फिर नीचे से नीडल लगाएंगे। फर्स्ट हमने ऊपर से नीडल लगाकर स्टेजेस उठाया था, अब नीचे से नीडल लगाकर उठाएंगे इस तरह से। फिर से हम 11 स्टेज इसी तरह से उठाएंगे। अब मैंने उठा लिया, मार्कर निकाल देंगे। मुझे लग रहा है यहाँ पर और एक स्टेज उठाना चाहिए। यार्न पीछे, बाकी के 10 स्टेज हम सीधा बुनेंगे इसी में। अब मेरे पास टोटल 52 स्टेजेस है। अब हम हील पार्ट बनाएंगे, ये वाली पार्ट। मैंने यहाँ पर 10 रो बनाई है, अब यहाँ पर भी मैं 10 रो बनाऊंगी। सीधी साइड से 5 टाइम्स बुनना है और उल्टी साइड से 5 टाइम्स, टोटल स्टेज बुनना है। सीधी साइड है या फिर उल्टी साइड, दोनों साइड से हम सीधा बुनेंगे। अब मैं 10 रो बना के फिर स्टेजेस कैसे बाइंड ऑफ करना है आपको बताऊंगी। अब मैंने इतना बुन लिया, ये रॉन्ग साइड है और ये सीधी साइड है। मैंने 10 रो बना लिया, 1 2 3 4 5, दोनों साइड से 5 5 टाइम्स बुना है। अब हम स्टिचेस बाइंड ऑफ करेंगे, दो स्टिच एक साथ बुनेंगे इस तरह से। और फिर वापस स्टिच नीडल में लगाएंगे, फिर से दो स्टिच एक साथ बुनेंगे, स्लिप किया हुआ स्टिच अगेन नीडल में लगाएंगे, फिर से दो स्टिच बुनेंगे। अब हम पूरा स्टिच ऐसे ही बंद करेंगे। दो स्टिच साथ में बुनेंगे। अब लास्ट दो है, अगेन दो स्टिच साथ में बुनेंगे। अब यहाँ पर एक टाइट नॉट लगाकर यार्न कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आया, सीधी साइड से और उल्टी साइड से ऑलमोस्ट एक जैसे ही है। जो हमने स्टिचेस पिक किया था वहीं पर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सुई में यार्न लगा लिया, अब ये रॉन्ग साइड है और रॉन्ग साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर
सीधी साइड से यहाँ से स्टिचिंग करेंगे इस तरह से। जो एच स्टिच होता है वहीं से हमें सिलना है। अब यहाँ पर एक टाइट नॉट लगाकर फिर सिएंगे। अब मैं इसी तरह से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक सिलूँगी। ये देखिए मैंने टोटल स्टिचिंग कर लिया। अब सुई पीछे करेंगे इस तरह से। थोड़ा सा सिल के फिर यहाँ पर टाइट नॉट लगाएंगे ताकि ये खुले नहीं। अब यार्न कट कर लेंगे। सीधा करके मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए बन गया। अब हम कॉर्सेट से एक लेस बनाकर लगाएंगे यहाँ पर। फर्स्ट हम एक नॉट बनाएंगे। अब यहाँ से इसे वन काउंट करेंगे और 30 चेन बनाएंगे। अब मैंने 30 चेन बना लिया। इसे यहाँ पर कट कर लेंगे। अब इस तरह से यहाँ पर मैं फ्लावर बना के लगाऊंगी। टू फिंगर में इस तरह से यार्न राउंड करना है 15 टाइम्स। अब इसे निकालेंगे। थोड़ा यार्न छोड़ के कट कर लेंगे और फिर इसे यहाँ पर टाइट नॉट लगाएंगे। जितना हो सके आप टाइट करके बांध लीजिएगा। जितना टाइट
बांधेंगे उतना ही अच्छा आएगा। अब इसे यहाँ पर बांध देंगे। यहाँ पर कट कर लेंगे। फाइनली सॉक्स रेडी है। ये देखिए कितना बढ़िया बन के आया। इसके सेट में कैप बनाया था आगे ही। आपको पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।